छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाया गया है और इसे सीएम भूपेश बघेल का एक दांव माना जा रहा है। इस कदम के जरिए भूपेश बघेल ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य कांग्रेस में कहीं पर कोई मतभेद नहीं है। कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ में बघेल और टीएस सिंहदेव का साथ आना कांग्रेस के लिए एक सफल रणनीति मानी जा रही है। चुनाव से ठीक 5 महीने पहले टीएस बाबा का डिप्टी सीएम पद संभालने के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक दांव चल दिया है। टीएस सिंह को उपमुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने राज्य की जनता को संदेश दिया कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। टीएस सिंहदेव बघेल मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य वाणिज्य विभाग के मंत्री हैं। सत्ता के वर्चस्व में भूपेश बघेल और टीएस सिंह के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद नेतृत्व को लेकर दोनों की टकराहट सामने आई थी। उस समय राज्य में कांग्रेस के ज्यादातर विधायक टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक बनकर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। राज्य में कांग्रेस के 67 विधायकों में 44 विधायकों ने टीएस बाबा को नेतृत्व देने में अपनी सहमति जताई थी, लेकिन उस समय की सियासी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 साल सत्ता का फॉर्मूला निकाल कर बघेल के हाथ में सत्ता सौंप दी थी। उस समय ये फैसला हुआ था कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव 2.5 साल तक सीएम बनेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 2.5 साल पूरा होने पर ये फॉर्मूला धरातल पर नहीं उतरा। इससे टीएस सिंहदेव ने 16 अगस्त 2022 को ग्रामीण पंचायत मंत्रालय से इस्तीफा दिया था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार देखते हुए वो मंत्रिमंडल में बने रहे, लेकिन रह रहकर छत्तीसगढ़ में बघेल और टीएस बाबा के धड़ों में मतभेद की खबरें बाहर आती रही। भूपेश बघेल सियासत के कुशल खिलाड़ी हैं। दिल्ली में कांग्रेस की कल छत्तीसगढ़ को लेकर लंबी बैठक चली। इसके बाद टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने का निर्णय लिया गया। माना जा सकता है कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने में हाईकमान का रुझान भी रहा होगा, लेकिन बघेल ने अपने कुशल नेतृत्व से पार्टी संगठन के अंदरूनी विवादों को ज्यादा हवा नहीं लगने दी। चुनाव से 5 महीने पहले बघेल का ये दांव चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के अंदरूनी विवाद को दूर कर दिया है। कर्नाटक में पार्टी के मतभेद को सुलझाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सफलता मिली है। कर्नाटक में पार्टी के अंदरूनी विवाद को सुलझाने से पार्टी को चुनाव में बड़ा फायदा मिला। इसी तरह कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी उम्मीद कर रही है कि दोनों नेताओं के मतभेद दूर होने के बाद पार्टी एकजुट होकर चुनाव मैदान में जाएगी। टीएस बाबा छत्तीसगढ़ की सियासत में धुरंधर खिलाड़ी माने गए हैं। यूपी के प्रयागराज में जन्मे टीएस बाबा के पिता आईएएस अधिकारी रहे हैं। इनकी माँ देवेंद्र कुमारी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रही हैं। अंबिकापुर नगर परिषद का चुनाव जीतकर वो छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद तक पहुँचे हैं। 2008 में सरगुजा से पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2013 और 2018 में भी वो चुनाव जीते। 2013 में विधायक दल के नेता बने और 2018 में बघेल ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। जहां तक राज्य में उपमुख्यमंत्री बनाने की बात है तो इस समय 11 राज्यों में उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ इसमें सबसे नया है। सत्ता को साधने और नेतृत्व के विवाद को टालने के लिए या फिर जाति क्षेत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्यों में उपमुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। इसे इस तौर पर भी देखा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में इस समय 5 उपमुख्यमंत्री हैं, जबकि नागालैंड जैसे छोटे राज्य में भी 2 उपमुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमालय, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़ में भी उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस पहले सीएम रह चुके हैं, लेकिन इस समय वो उपमुख्यमंत्री के पद पर हैं। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर टीएस बाबा की नियुक्ति सियासी समीकरणों को साधने के लिए की गई है। निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की गहरी नजर है। इसके लिए बिसात बिछ चुकी है। माना जा रहा है कि इस तर्ज पर अब राजस्थान को भी देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले
कांग्रेस ने सीनियर नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को राज्य का डिप्टी सीएम नियुक्त किया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाइयां दी हैं। दरअसल बुधवार को छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस हाईकमान की दिल्ली में बैठक हुई थी और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राज्य के सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी पहुंचे थे। इस नियुक्ति से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विवाद को सुलझाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। दमोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सांसद प्रतिनिधि पर क्रिमिनल केस दर्ज होने से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नाखुश हैं, जिसके बाद उन्होंने किसी भी तरह की पुलिस सेवा लेने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि 5 दिन पहले एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी और वहीं सुसाइड नोट में सांसद प्रतिनिधि यशपाल ठाकुर बीजेपी नेता मोंटी रेक्वार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वहीं दमोह में आपको बताएं कि दरअसल सांसद प्रतिनिधि पर क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। देखिए, ये एक नौजवान ने आत्महत्या की, एक जवान कोई लड़का किसी परिवार का गया, तो मैंने पहले ही कहा था कि संवेदना पूरी तरह से है। लेकिन जो लोग झूठे मुकदमे लगाकर या लगवा कर दबाव बनाना चाहते हैं, वो कान खोलकर सुन लें कि उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और जो दमोह की पुलिस ने किया है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। जब तक हैंडराइटिंग की एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग की जांच ना हो जाए, पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि ये बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया फैसला है। मैं पुलिस अधीक्षक के खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ हूं और मैं इसके लिए हर कीमत पर, मेरे कार्यकर्ता हैं यशपाल, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन बाकी और भी लोग हैं जिनके नाम उसमें लिखे हैं, पर तो उसमें मेरा भी नाम है, पर मुझको भी मुकदमा लगाना चाहिए। मैं हर कीमत पर उनके साथ। भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रंजिता पटेल, विधायक जनप्रतिनिधि गण, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत सहित समिति सदस्य एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री परिषद द्वारा खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिलों में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। वह चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र की जनता को तृतीय स्तर की चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ साथ प्रदेश के छात्रों के लिए चिकित्सा क्षेत्र की 600 एमबीबीएस सीट की वृद्धि होगी। वहीं कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले को लेकर मध्य प्रदेश शासन में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। मेडिकल कॉलेज की सौगात थी चंबल अंचल में लंबे समय से। तो आपको बताएं कि सहकारिता मंत्री ने दरअसल मुख्यमंत्री का आभार जताया है। दरअसल आपको बताते चले कि छात्र अब जिले में रहकर ही पढ़ाई कर सकेंगे और इसको लेकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया है। आज की कैबिनेट की बैठक में चंबल अंचल में लंबे समय से भिंड में इंतजार कर रहे हमारे भिंड जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज की कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भिंड जिले में मेडिकल को कॉलेज के लिए कैबिनेट से पारित हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भिंड जिले की जनता जनार्दन को मेडिकल कॉलेज की सौगात। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायगढ़ के पुसौर ब्लॉक के नवापाली डीपा पारा में सड़क खस्ता हाल है, जिससे कि ग्रामीण खासा आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं। वही ग्रामीणों का कहना है कि कई बार की शिकायतों के बावजूद भी सड़क की सूरत नहीं बदली है। उन्होंने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। तो ग्रामीणों ने आपको बताया कि दरअसल सरपंच से शिकायत भी की, लेकिन बार बार शिकायतों के बाद भी लगातार जो सड़क है वो खस्ता हाल है, जिसको देखते हुए दरअसल जो स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्सा लगातार दिखाई पड़ रहा है। ग्रामीण आक्रोशित हो गए, इसी को लेकर दरअसल ग्रामीणों ने सरपंच से शिकायत की है। गाँव हर एकदम पूरा बिगड़ गई से, आना जाना भी बंद हो गई से। पानी बरसात में लड़का मन के आना जाना, हमार मोटर गाड़ी सब के पूरा बंद हो गई से। आंगनबाड़ी के छोटे छोटे लड़का मन ला भी मतलब आए जाए बन नहीं बने से, मैंने पहुँचाए बल लागत से। और मोरेज घर ले तो मोरा निकलेज नहीं बने से, तालाब एक है मोर यहाँ, तो आवेदन लगाए हों आगू ले छः महीना आओगे इसने विधायक करा तो हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। कोई सा वो अभी तक मतलब ध्यान ही नहीं देते, मुँह में फिर कहें हमें विधायक ला आए रही इनका। कोंडा गांव में सीमांकन करने पहुंचे राजस्व अधिकारियों पर हमला किया गया। आपको बता दें कि अधिकारी आवेदक मोहन लाल की जमीन का दरअसल सीमांकन करने पहुंचे थे और अधिकारी अपना काम कर रहे थे। इस दौरान रक्षित दुआ और उसके परिजनों ने विवाद उत्पन्न कर दिया है। तो दरअसल मामला कोंडा गांव का है, जहां पर सीमांकन करने पहुंचे अधिकारियों पर हमला किया गया, जिसके बाद जैसे तैसे जान बचाकर अधिकारी वहां से भागे हैं। नजूल अधिकारी के आदेश से एक भूमि था बेरोजगारी पारा में, मोहन लाल करके उनकी भूमि का सीमांकन का आदेश हुआ था। क्योंकि भूमि विवादित किस्म की थी, तो राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पे हमने पुलिस बल के लिए भी पहले लिख दिया था कि भाई सीमांकन कार्य विधिवत सही ढंग से संपादित हो सके, और मैं स्वयं वहाँ पे मौके पर मौजूद था, उपस्थित था, ताकि सही तरीके से सीमांकन कार्य संपादित किया जा सके। और सीमांकन के दौरान जब आवेदित भूमि का हम नाप करके दिखा रहे थे, तो अंत में चिन्हांकन चारों दिशाओं में खूंटियां गाड़ कर दिखाई जाती है। दिखाने के समय में पड़ोसी पट्टेदारक रचित दुआ और उनकी बुआ गीता बोरा के द्वारा। जगदलपुर में पार्टी दफ्तर में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं मीडिया से रूबरू पंचायतों के सरपंचों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर कांग्रेस में शामिल होने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। तो आपको बताते चले कि दरअसल कांग्रेस में शामिल होने को लेकर दरअसल आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंचों ने कांग्रेस नेताओं पर दरअसल कई आरोप लगाए, जिसमें कांग्रेस में शामिल होने का दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। लगभग 48 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता अभी भी आपातकाल की स्थिति में है और लोकतंत्र की हत्या करने में कहीं पर भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की इस सरकार ने जिस तरीके से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सरपंचों को, हमारे शहर के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, उनको दबाव पूर्वक अपने पार्टी में शामिल करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अवैध कार्य को बढ़ावा देती है और पूरा उनका कार्यक्रम अवैध है। और हमारे आज यहाँ के सरपंच आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। उसके साथ साथ कांग्रेस की पार्टी लगभग 4 वर्ष हो गई, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के नाम पे लोगों को आवास उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन जो आवाज बने हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद और उनको नोटिस भेजने का काम इस कांग्रेस की सरकार कर रही है। अभी एक विषय आया भोले के सरपंच के सामने, भोले के जो सरपंच है हमारे राम जी, उसके साथ वहां पर टेंडर देने का प्रोग्राम कराकर सामान्य विधायक जी वहां भोले पहुंचते हैं। भोले पहुंचने के बाद धारा 40 के तहत
कार्रवाई कराएंगे। ये धमकी देते हैं हमारे समाज के जो आए हैं लोग बैठे हैं, सरपंच जी सहित सभी लोग बैठे हैं, और इससे पहले भी यहाँ पर जब तक वो विधानसभा में चाहे वो गोपा बुरा सरपंच हो सूर्यमा अभी हमारे कर्तव्यों का सरपंच है गोपति। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में डबरा चंद्रपुर फरगुम फगुरम मार्ग खस्ता हाल है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि दो हफ्ते में ही सड़क उखड़ने लगी है। क्षेत्र की जनता और नेताओं ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। तो सक्ती छत्तीसगढ़ डबरा चंद्रपुर फगुरा मार्ग दरअसल खस्ता हाल है, जिसको लेकर दरअसल आपको बताएं कि लोगों ने जो स्थानीय लोग उन्होंने आरोप लगाए हैं कि दो हफ्ते में ही जो सड़क है वो उखड़ने लगी है। स्थानियों ने पीडब्ल्यूडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सक्ती की तस्वीरें, जो पहले का सड़क था वो अच्छा था, बेटर था, और अभी बनाया गया है जो हाइट करके वो जो एकदम से टिका नहीं, हफ्ता दिन हो रहा है। इससे अच्छा तो पुराना जो सड़क था वो अच्छा था, और बट हाइट हुआ है तो नाली तो व्यवस्था नहीं है अपन के पास, तो सब घर में पानी घुस रहा है और बहुत प्रॉब्लम है सर। समस्या नाली का पहले व्यवस्था करना चाहिए थी इन लोग को, जबकि नाली की व्यवस्था नहीं है, पहले रोड बना दिए हैं। पुल लगभग 150 करोड़ रुपये तो दोनों है कि प्रोग्राम से डबरा से सपोज 150 करोड़ का, ये भी निर्माण काम के जा रहा है, जो स्पॉट पे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा घटिया है। अभी बनना शुरू हुआ है और जगह जगह जो सीसी रोड बनाए हैं जहाँ जहाँ वहाँ पे दरार आ चुकी है, फट गए हैं। जो डामीकरण हुआ है वो डामीकरण उखड़ रहे हैं और क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया है, जबकि ये मुख्य मार्ग है। आज की तीन बड़ी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे खुली हुई है, आरकेएम, बीबी पावर और आयसना पावर प्लांट, बड़ी बड़ी ट्रक, ओवरलोडेड ट्रक इसमें चलना है, लेकिन वर्तमान में गुणवत्ता देखने में मुझे नहीं लगता कि ये टिक पाएगा। इसको लिए मैं जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, जो वर्तमान शासन प्रशासन के जो आदमी हैं, उनको मैं दोषी मानता हूँ कि ये क्वालिटी की गुणवत्ता को समाप्त करने के लिए इन्होंने अवैध रूप से आर्थिक समीक्षा निहित लगता है मुझे। कि जब एक तो लगभग 3 साल हो गए सड़क को बनते हुए और अभी तक ये सड़क पूरी नहीं हुई, ऊपर से इस सड़क में इतना भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, गुणवत्ताहीन सड़क बन रही है जहां जहां निर्माण हुआ है, ना ही ठेकेदारों ने उसके नीचे जो बेस तैयार होता है, जो उनका WBM उनको करके पानी डाल के प्रॉपर उसको रोलर चला के जिस प्रकार से बनाना चाहिए वैसा उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया। ऊपर से हर जगह कई कई जगह गड्ढे हो जा रहे हैं, जहाँ पे बनी है वहाँ पे सड़क में गड्ढे हो जा रहे हैं। तो पूरे चंद्रपुर विधानसभा में आज जितनी भी सड़कें जो 2-3 निर्माणाधीन हैं पूरे में भ्रष्टाचार आज देखा जा रहा है, और इसके लिए पूरा हम लोग कई बार इसके लिए आंदोलन भी कर चुके हैं, और ये जांच का विषय है। इन सब सड़कों की जांच की एक समिति बननी चाहिए और उसमें जांच होनी चाहिए कि इतनी गुणवत्ताहीन सड़कें पूरे विधानसभा में क्यों बन रही। वहीं देवास शहर के सभी मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। वहीं इस्लामिक धर्म में बकरीद का खास महत्व है, इसे कुर्बानी का त्यौहार कहा जाता है, साथ ही साथ 3 दिन तक लोग कुर्बानी देते हैं। नगर में ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। आपको बताएं कि मुस्लिम समुदाय ने भाईचारे का पैगाम देते हुए एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि शासन प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर, SDM, CSP, ट्रैफिक DSP और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज बाजानी ने बड़ी ईदगाह शहर काजी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। पुलिस का व्यवस्था जो पूरे शहर में लगी हुई थी, और सभी जो है धार्मिक स्थल, ईदगाह और मस्जिद हैं, सभी जगह पुलिस के पॉइंट हैं। विभिन्न पेट्रोलिंग पार्टियाँ यहाँ शहर में हमारी चलाई गई हैं, और पूरा विभाग ढंग से अच्छे से सभी लोग जिंदगी को मनाए, व्यवस्था लगाई गई है, और सभी जगह शांति से जो है कार्यक्रम हो चुके हैं, और अभी हाजी साहब वगैरह ईदगाह से अभी रवाना हुए हैं, उनको भी आईडी है सभी को। ईद अजहा के इस पुरखलूस मौके पर
अल्लाह तबारक व ताला ने कुर्बानी पेश करने का हुक्म अता किया है और कुर्बानी से मुराद सिर्फ जानवर को कुर्बान करना नहीं बल्कि अपनी बेजा ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। जो बेजा ख्वाहिशात को कुर्बान कर देता है वो अल्लाह के क़ुर्ब में पहुंचता है। इसलिए कहा गया है कि फसल ले ले रब का वनहर, तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी पेश करो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इस ईद कुर्बा के पुरखलूस मौके पर सब ने की नमाज अदा की, अल्लाह ताला कबूल किया।